अस्सलाम वालेकुम, मैं मोज़म अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब कोरल डिज़ाइन हाउस। तो कोरल डिज़ाइन हाउस में आज हम बनाएंगे रोज़ के, रोज़ कैसे बनाते हैं वो बनाएंगे। तो चलते हैं, रोज़ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं तो आपको भी दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। हम आएंगे ये इस वाले पॉलीगन वाले टूल में, स्टार में, कम्प्लेक्स टूल का इस्तेमाल करके बनाएंगे रोज़। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ ड्रा करेंगे और छोड़ देंगे। सही हो गया। और इसको पी करके पेज का सेंटर करेंगे और थोड़ा सा बड़ा करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे तो इक्वली बढ़ जाएगा। तो अब हम इसकी जो ये तादाद है कॉर्नर की, इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे ये 9 है, तो इसको हम करेंगे मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम करेंगे। रोज़ को क्रिएट करने के लिए हम रखेंगे 50। सही हो गया। और ये इधर ये 2 है, इसको हम करेंगे 6, 7, 8, 9, 10। सही हो गया। अब हम करेंगे शेप टूल का इस्तेमाल। शेप टूल का इस्तेमाल करके इसको लेंगे थोड़ा नीचे की तरफ और इधर, आप ऊपर की तरफ भी इसको ले सकते हैं और नीचे की तरफ भी ले सकते हैं। अब इसके हम देंगे कलर। सही हो गया। ये देख तो कैसा फूल बन के आया भाई, 2 मिनट के अंदर अंदर। इसको मज़ीद खूबसूरती के लिए इसको आप अंदर की तरफ करें, शिफ्ट के साथ अंदर और कर दें और कर दें, और इधर आप कर दें कॉपी, और इसमें आप दे दें वाइट कलर ये। तो इस तरह आप कर सकते हैं फूल क्रिएट। तो ये कैसा फूल क्रिएट हमने किया है, ये सही हो गया। तो ये इसके अंदर आप कुछ अपना नाम वगैरह भी दे सकते हैं। तो चलो मैं इसके अंदर टेक्स्ट का भी इस्तेमाल करूँगा, अपना नाम लिखूँगा। तो लिख लेते हैं GMOAZZAM वाजम ALI। तो इसको करेंगे हम ALI, इसको सेलेक्ट किया, इसको पी किया और उसको किया मिडल। इसको हम कलर देंगे ग्रीन और इसको करेंगे थोड़ा बोल्ड, फिर करेंगे ऊपर की तरफ ऐसे, थोड़ा इधर से भी ऐसे, थोड़ा डेलीट करेंगे और अंडर भी करेंगे। सही हो गया। तो इसको हम करेंगे डिलीट। सही हो गया। तो नीचे आप लिख भी सकते हैं लोगो, LOGO जो लोगो, इसको हम करेंगे बोल्ड, बी इसका शॉर्टकट की है। तो सही हो गया, बोल्ड करेंगे। इसको भी करो पी और फिर करो नीचे, थोड़ा और भी कर लो लोगो। ये हो गया लोगो क्रिएट। ये बोल्ड करेंगे, तगड़ा मोटा हो जाएगा। इसको हम कलर देंगे ब्लैक। सही हो गया। बल्कि नाम हमको नहीं चाहिए, खाली लोगो इसके अंदर रखेंगे, नाम अच्छा नहीं आता। तो खाली इसमें हम लिखेंगे लोगो, इसको थोड़ा करेंगे बड़ा, शिफ्ट दबाएंगे दोनों तरफ और इधर से भी थोड़ा ऊपर करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे दोनों तरफ। सही हो गया। ये हो गया हमारा लोगो क्रिएट। रोज लोगो, रोज लोगो हो गया क्रिएट। तो इसके अंदर आउटलाइन के देने के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप F12 दबाएंगे तो उसका जो ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। F12 शॉर्टकट की है। अगर ऐसे आपको नहीं याद रहता या नहीं करना आता तो ये नीचे आ जाएं, ये पेन का टूल, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला सेम डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो इसमें हम देंगे आउटलाइन, एडिट रखेंगे, कलर उसका रखेंगे
ये वाला, और राउंड कॉर्नर करेंगे, और उसके बाद बिहाइंड फिल करेंगे और ओके करेंगे। तो ये हो गया हमारा आउटलाइन इसका, सही हो गया। आप रेड भी कर सकते हैं, आप वाइट भी कर सकते हैं, आप ब्लैक भी कर सकते हैं, जो सभी आपको लाइन का कलर चाहिए आप कलर जो है रख सकते हैं। सही हो गया। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कलर रखना है। तो इसके अंदर आप जो है ये वाला कलर दे दो, तो ये जो लाइन का है थोड़ा सा करेंगे काम, ये कुछ ज़्यादा है तो इसको हम करेंगे मैनुअली भी आप टाइप कर सकते हैं, हम करेंगे 6 इंटर। सही हो गया। तो ये तरीका है आउटलाइन देने का, सही हो गया। इसको थोड़ा हम रखेंगे इटैलिक साइज, इटैलिक सटलाइज स्टाइल में, और इसको रेड कर दें, ये इसको भी कर दिया रेड।